फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्टोबेड और उनकी सेटिंग आप मिक्सर से किस तरह से कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी उलझने की जरूरत नहीं। आपने अगर नया नया मिक्सर लिया है और आपको सेटिंग करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके फेडर है उनमें आप सिर्फ एक सेटिंग कर लेते हैं तो आपको उसका आउटपुट एकदम बराबर मिल जाएगा और आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और उसमें क्या करना रहेगा उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपको आज मैं ऑर्गन और ऑक्टोपेड को किस तरह से अपने मिक्सर के द्वारा अपने वॉल्यूम को सेट करेंगे और उसमें हाई मिड बेस और किस तरह आप सेट कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लेंगे तो आप अपने कथा सत्संग लाइव भजन संध्या में अपने ऑक्टोपेड और ऑर्गन को अपने मिक्सर के द्वारा काफ़ी आसानी से आप सेट कर पाएंगे और उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आप बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। सिर्फ एक ट्रिक के द्वारा आप अपने ऑक्टोपेड और ऑर्गन की वॉइस को काफ़ी अच्छी तरीके से सेट कर पाएंगे। उसमें कुछ कम ज़्यादा करना हो तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और आप उसको काफ़ी अच्छी तरीके से उसे कर पाएंगे। तो ये आप मिक्सर देख रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग फेडर से हो रहे हैं और इनमें आपको क्या करना रहेगा उसकी जानकारी मैं दूंगा। जैसे आप ये फेडर देख पा रहे हैं, ये जैसे एक पूरी रो आपको दिख रही है, तो इसमें आपने जैसे ऑर्गन लगाया है या आपने ऑक्टोपेड लगाया है तो यहाँ पर आप अपने वॉल्यूम को जरूरत के अनुसार खोल लेंगे और उसमें जो आप देख पा रहे हैं ये दूसरा फेडर देख रहा है तो इसमें भी आप अपने वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है वो तो कोई बात नहीं है, फेडर से आप कर ही लेते। लेकिन जो ये नॉब दिख रही है अलग अलग, इनमें आपको क्या सेट करना रहेगा उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इसमें जो आपको करना रहेगा वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे और आपको बाकी सारी सेटिंग और देखना चाहे तो आप हमारे इस चैनल में देख पाएंगे जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं हमारे चैनल पर, जिससे आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तरीके से लाइव में कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अभी आपको ऑर्गन और पेट के लिए ही अपने सेटिंग को देखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें आप बिल्कुल भी होता ही ना करें, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने ऑर्गन और ऑक्टोपेड की वॉइस को काफ़ी आसानी से इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप इसमें थोड़ा सा इको देखना देना चाहें वो भी आप इसमें दे पाएंगे इफेक्ट के द्वारा ऑर्गन के लिए, तो आपको ऑक्टोपेड में तो जरूरत पड़ती नहीं है इफेक्ट की, तो आप ऑर्गन में अगर देना चाहें तो हल्का सा इफेक्ट भी दे पाएंगे, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। और आप ये देख पा रहे हैं जैसे ऑर्गन प्ले हो रहा है और इसी के साथ ऑक्टोपेड भी प्ले हो रहा है, तो इसकी आपको जो वॉइस सेट करनी है यानी आपको जो मिड बेस और हाई जो कुछ सेट करना है वो काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इसमें जो करना रहेगा वो है मिक्सर के द्वारा, तो इसमें आप बड़ी आसानी से अपने प्रोग्राम को अंजाम दे पाएंगे। और इसमें आपको मिक्सर में जो सेट करना रहेगा वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ऑर्गन और पेड के बारे में बता रहा हूँ किस तरह से आप अपनी वॉल्यूम को सेट करके काफ़ी आसानी से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको मिक्सर के द्वारा किस तरह से अपने ऑर्गन और ऑक्टोपेड की आवाज़ को सेट कर पाएंगे उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ये बज रहा है तो आप सुनिए। Thank you.
उसमें आपको मिक्सर जो सेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको चार नंबर फेडर में आपको ऑक्टोपेड की सेटिंग दिख रही है। तो आपको जो अपने ये फेडर है उनमें आपको सबको जीरो पर सेट करना है। देख लीजिए आप, मैंने जैसे गेन को कम कर रखा है और यहाँ पर आप ऑर्गन के बारे में देख पा रहे हैं, ये मैं ऑर्गन बता रहा हूँ आपको पाँच नंबर फेडर में। तो यहाँ पर देखिए सबको जीरो पर सेट किया हुआ है, मिड हाई और लो को। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी आवाज़ यहाँ से खुली हुई है, जितनी जरूरत उतनी आवाज़ दे पाते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर ऑर्गन की सेटिंग देख पा रहे हैं, जैसे ऑर्गन में भी आपको ऑक्टोपेड में ऑक्टोपेड की तरह ऑर्गन में भी सारा सेंटर किया हुआ है। अगर आपको और बेस और ट्रबल खोलना है तो आप थोड़ा सा इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिक्सर की ज़्यादा सेटिंग नहीं आती है तो आप अपने सारे फेडर जो हैं लो मिड और हाई के उसे आप सेंटर कर लेंगे यानी जीरो पर सेट कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने प्रोग्राम को अंजाम दे पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखना चाहें आप एडवांस तो आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे।